नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका वेदांता के CSR e-learning इनिशिएटिव में। अभी तक हम तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं, उसी के साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट और है अपना, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? ये विशेष प्रकार की ग्रंथियां हैं जिनसे एक स्राव स्रावित होता है और उस स्राव को हम कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। ये नलिका विहीन ग्रंथियां भी है, क्यों? क्योंकि ये जैसे अपना रक्त है, रक्त नलिका में बहता है, वैसे इनके स्राव के लिए कोई विशेष प्रकार की नलिकाएं नहीं होती है। ये क्या करते हैं? इनसे जो भी स्राव निकलेगा वो सीधे रक्त में जाएगा और रक्त के द्वारा ही शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, अब देखो हम कुछ नाम देख रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के, कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां क्या है? ये सब है आपके किसके पार्ट? अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हम ये पढ़ चुके हैं तो आप बता सकते हैं कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है। हाइपोथैलेमस पाया जाता है अपने मस्तिष्क में, डाइएन्सेफेलन के आधार जो है, अग्र मस्तिष्क का जो आधार होता है वहाँ पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। अब हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक तो मोचक हार्मोन और एक निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन तो क्या करते हैं कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन को निकलने का आदेश देते हैं कि कितना निकलना है। ठीक है, वहीं पे निरोधी हार्मोन का क्या काम होता है? निरोधी हार्मोन क्या करेंगे? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को रोकते हैं कि बस तुम्हें इतना ही निकलना है और नहीं चाहिए। तो ये काम कौन करता है? निरोधी। जबकि आपको निकलना है, आपका स्राव स्रावित करना है, ये बात कौन बताता है? ये बताता है मोचक हार्मोन। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये किसका डायग्राम है? अपने मस्तिष्क का। ये है अपना हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है? देखो, पीयूष ग्रंथि अपने इस जगह मस्तिष्क के इस वाले पार्ट में होती है। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड होती है, दो भागों में बटी हुई होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब आपको मालूम है कि पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है। ठीक है, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सब से निकलने वाले हार्मोन कितनी मात्रा में निकलेंगे उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको ये मास्टर ग्रंथि करती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? मास्टर ग्रंथि। जबकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हमने किसे कहा? हाइपोथैलेमस को। क्यों? क्योंकि वो ये कंट्रोल करता है कि पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलेंगे। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं देखो बच्चों पीनियल ग्रंथि की। अब जो पीनियल ग्रंथि है ये अपने अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ये अपना अग्र मस्तिष्क है, इसके ऊपरी वाले भाग में क्या पाई जाएगी बच्चों? पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों थायराइड ग्रंथि की। ये जो अपना स्वरयंत्र होता है उसमें एक तितली के आकार की ग्रंथि पाई जाती है, इसे हम कहते हैं बच्चों क्या? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अगर इस हार्मोन की कमी हमारे रक्त के अंदर हो जाती है तो हमें किसकी, कौन सा रोग हो सकता है? हमें गलकंड रोग हो सकता है, इसको घेंगा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है इसके चार कोने होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। इन चारों शीर्षों में एक एक कौन स्थित होती है? पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है। ठीक है, हम दूसरे डायग्राम में देखते हैं। ये जो आपको चमकती हुई संरचना दिख रही है ये क्या है बच्चों? ये है पैराथायराइड ग्रंथि। और पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथार्मोन हार्मोन। और ये ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं बच्चों अग्नाशय ग्रंथि। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अग्नाशय ग्रंथि को अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों यानी मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि को क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? पहला तो निकलता है अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन।
ठीक है, ये अंतःस्रावी हार्मोन है। दूसरा इससे बहिःस्रावी क्या निकलता है, अग्नाशी रस निकलता है, वो बहिःस्रावी है। अंतःस्रावी है, बहिःस्रावी, दोनों प्रकार के स्राव निकलने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब अगर क्या होगा कि किसी कारण से इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन की हमारे रक्त में कमी हो जाती है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग, डायबिटीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रक्त है उस रक्त के अंदर शर्करा का, ग्लूकोज का स्तर क्या है, काफी बढ़ जाता है, शुगर का स्तर काफी बढ़ जाता है और हमें कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज। आगे हम बात करते हैं बच्चों अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि की। तो देखो ये जो हमारी किडनी है, ये जो हमारे वृक्क है, आपको मालूम है एक जोड़ी होते हैं, तो इनके ऊपर की तरफ कौन सी ग्रंथि स्थित होती है बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथि, जो आपको येलो कलर की दिख रही है, पीले रंग की दिख रही है, वो क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। अब इस ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन निकलते हैं, कौन से आपातकालीन हार्मोन, उन्हें क्या कहते हैं हम, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या करते हैं, जब आपातकालीन स्थिति होती है, जब करो या मरो वाली स्थिति होती है, तब ये हार्मोन क्या है, अधिक मात्रा में निकलते हैं, ताकि हम उस स्थिति पे क्या कर सके, सामंजस्य बना सके। आगे हम बात करते हैं बच्चों थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, हमारा जो हृदय है और जो महाधमनी है उसके ऊपरी भाग में स्थित होती है। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रंथि है आपको दिख रही होगी, इसकी एक विशेषता क्या है कि ये बच्चों में तो बड़ी होती है, सबसे बड़ी साइज इसकी कब होती है, बचपन में, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तब इसकी साइज छोटी होती जाती है। ठीक है, यौवनारंभ के पश्चात ये सुकड़ना शुरू कर देती है और बच्चों में सबसे ज्यादा विकसित होती है। आगे हम बात करते हैं, देखो बच्चों जनन ग्रंथियों के बारे में तो हम पहले भी पढ़े थे कि ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है। मनुष्य में नर में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, जिससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, उससे तो निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जबकि मनुष्य मादा में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं, उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो क्या करता है, जब भी यौवनारंभ स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो क्या होगा, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाएगी, उसकी आवाज भारी होना शुरू हो जाएगी। ये सब किस हार्मोन के कारण हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। ऐसे मादाओं में क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण रक्त चक्र शुरू हो जाएगा, स्तनों का विकास होगा, आवाज पतली होती है। ये जितने भी लक्षण है ये किसके कारण हो रहे हैं, ये हो रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण, और नर में किसके कारण हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो बच्चों अपना ये अंतःस्राव ग्रंथियों वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है, इसके साथ आपका ये पाठ भी पूरा होता है। ओके, थैंक यू।